Hello students, today we will discuss the science chapter of class 10. Chapter number first, the name of the chapter is Food and Human Health. Today we know what is food, कि जो food है वो क्या है और वो health से किस प्रकार related है, कैसे हम जैसे ज़्यादा फूड खा जाते हैं तो उससे क्या इफेक्ट हमारे शरीर में पड़ते हैं, और कम फूड खाने से भी हमारा शरीर जो है वो ठीक हो जाता है। चलिए हम इसके बारे में ही डिस्कस करते हैं। आइए न्यूट्रिशन जो है फूड का एक पार्ट होता है। अब ये हमारे बॉडी में क्या रोल प्ले करता है इसके रोल को हम जानते हैं, क्या न्यूट्रिशन होता है, हमारे बॉडी में क्या काम करता है। चलिए न्यूट्रिशन इज द बेस ऑफ लाइफ। न्यूट्रिशन इज द बेस ऑफ आवर लाइफ, यानी कि हमारे जो जीवन है उसकी जो बेस है वो है न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी न्यूट्रिशन से फिट रहेगी तभी हम आगे अपनी जो लाइफ है उसमें बढ़ पाएंगे। Nutrition is the process by which living things receive food. अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि what is nutrition? कि ये जो nutrition है ये क्या है? चलिए हम इसके बारे में जानते हैं कि nutrition क्या होता है। Nutrition is the process. Nutrition एक तरह की process है by which जिसके द्वारा living things receive food. यानी कि जो living things हैं वो इसके द्वारा न्यूट्रिशन के द्वारा फूड जो है वो ग्रहण करते हैं या रिसीव करते हैं। तो न्यूट्रिशन समझ में आया क्या है, ये एक तरह की प्रोसेस है जिससे लिविंग थिंग्स अपना जो फूड है उसको रिसीव करते हैं या प्राप्त करते हैं। चलिए तो ये फूड हमारे बॉडी में क्या काम करता है, ये फूड जो हम रिसीव कर रहे हैं ये इसका क्या वर्क है हमारी बॉडी में उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए दिस फूड इज यूज फॉर द ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ लिविंग थिंग्स। ये जो फूड हम रिसीव कर रहे हैं ये हमारे बॉडी की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। हमारी जो बॉडी है स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि जब बर्थ होता है किसी बच्चे का तो छोटा सा रहता है, जैसे जैसे उसको फूड दिया जाता है या कुछ और मटेरियल दिया जाता है वो उसकी ग्रोथ वो ग्रोथिंग करने लगता है, उसकी बॉडी में ग्रोथ आती है और उसके जो स्मॉल हैंड्स कुछ भी जो भी उसके होते हैं शरीर की बॉडी के पार्ट्स वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगते हैं। और जैसे ही हम फूड हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमारी हेल्थ भी हम हेल्दी रहेंगे उससे। तो ये काम है फूड का, एक तो ग्रोथ इंक्रीज करता है दूसरा हमें हेल्दी रखता है। चलिए नेक्स्ट फॉर बेटर हेल्थ बैलेंस डाइट इम्पोर्टेंट। बैलेंस डाइट जो है वो हमारे हेल्दी रहने के लिए हमें हमारे जो शरीर है उसमें किसी तरह की कोई डिजीज नहीं आए उसके लिए हमें बैलेंस डाइट जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। अब बैलेंस डाइट क्या होता है, वॉट इज बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट के बारे में जानते हैं कि क्या है बैलेंस डाइट, इससे हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यदि बैलेंस डाइट नहीं हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए बैलेंस डाइट के बारे में हम जानते हैं क्या है बैलेंस डाइट। ए बैलेंस डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट एक इस प्रकार की डाइट है, इस टाइप की डाइट है जो कि सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर होते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, What is these nutrients? ये word यहाँ पे आया है nutrients। ये क्या है, ये nutrients होते हैं जो nutrition है उसके small जो parts होते हैं उसमें कई तरह के elements होते हैं nutrition में, और उन elements से जो होते हैं उनको कहते हैं nutrients को। Balanced diet जो होती है वो हमारे body पे क्या effect करती है, क्या changes आते हैं balanced diet लेने से हमारी body में उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है क्या इफेक्ट डालती है, इट कीप्स आवर बॉडी फिट एंड एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। बैलेंस डाइट लेने से हमारी बॉडी जो होती है वो फिट रहती है,
हमेशा किसी भी वर्क को करने के लिए एक्टिव रहती है, और तीसरा हमें स्ट्रांगनेस आती है बॉडी में। कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें स्ट्रांग हमें होना जरूरी है, कोई हार्ड वर्क करते हैं तो हमें स्ट्रांग होना जरूरी है, तो बैलेंस डाइट है वो हमें स्ट्रांग भी बनाती है। पहला है बैलेंस डाइट, हमें फिट फिट रखती है, किसी भी प्रकार की कोई डिजीज हमारे बॉडी के अंदर नहीं आती है इससे। दूसरा है हमारे ब्रेन को एकदम एक्टिव रखती है, किसी भी वर्क को कम समय में ही जल्दी से जल्दी करने की जो है कैपेसिटी हमें देती है बैलेंस डाइट। और थर्ड वर्क है इसका ये हमारी बॉडी, कोई भी हार्ड वर्क जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाने का वर्क भी करती है बैलेंस डाइट। और नेक्स्ट सेकेंड जो है इसका क्या बेनिफिट है, सेकेंड बेनिफिट चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इट कीप्स माइंड हेल्दी, ये हमारे जो माइंड है वो उसे हेल्दी रखती है। हमारे माइंड में कैसी भी बात आए कुछ भी आए उसको दूर रखती है, हमें एकदम हेल्दी बनाती है माइंड को, किसी तरह की कोई डिजीज नहीं आने देती है उसके अंदर, कोई भी और कुछ भी नहीं होने देती है माइंड।